जी, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल की समुची सीनियर लीडरशिप, हलके खन्ने दे और इस जिले के जिम्मेवार सज्जन, श्रोमणी अकाली दल के वर्कर साहबान, अज हक सच की आवाज बुलंद करने वास्ते आई गुरु प्यारी गुरु रूपी साध संगत जी, गज वज के फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, मैं अपनी गल शुरू करने तो पहला जित, क्योंकि कल आजादी दिवस बड़े सत्कार नाल ते बड़े श्रद्धा नाल आप सारिया ने देश भर च 15 अगस्त नूं देश का झंडा भी लहराउंदे आ, झंडे का सत्कार भी करते हैं, ते जेड़ी वडमुलियां कुरबानियां शहीद भगत सिंह जी, शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, शहीद उत्तम सिंह जी, मैं किदा किदा ना लवा, जे सोच करके वह कुरबान हो गए, जिथे असी उन्होंने नतमस्तक भी होंने, नाले सवाल भी करते हैं एक दूजे नूं कि असी उन्हां दे दसे हुए रस्ते ते पहरा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। मेरे वीरो, शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी दिया ओ बोल ओ शब्द मैं कदे भुल नहीं सकता, क्योंकि बड़ी छोटी उम्र सी जदों एड्डी वड्डी कुरबानी दे गए, और उन्होंने जब अंग्रेजा ने पूछा कि कोई सुनेहा अपने माता जी वास्ते, परिवार वास्ते, बुजुर्गों वास्ते, तो उन्होंने इको कहा कि मेरा एक सुनेहा मेरे देशवासियों वास्ते जरूर दो। और सुनेहा की सी, वो अपने लफ्जा नाल मखारबन तो एक गल कहते हैं कि हम अपनी ये जान फिदा कर चले हाँ, शरीरों को रूह से जुदा कर चले हाँ, कोई हरगिज फिक्र न करना हमारा, हम अपना ये फर्ज अदा कर चले हाँ। मेरे वीरो, अज भी फर्ज की अदायगी वजो जो अपनी जिम्मेवारी बनती है पंजाब की धरती प्रति, कैप्टन नूं कल्ले नूं तां करोना का फिक्र नहीं, जब कप्तान कला कोरोना कप्तान का तो नहीं पता लेंदी, कोरोना का पता नहीं किनू चिंबड़ जावे, कदों चिंबड़ जावे, गुरु कृपा करे कि किसे नूं ये नाम मुराद बीमारी का सामना ना करना पवे। मगर कप्तान साहब, तुसी तां फार्म हाउस ते बैठे हो जंगल च, 5000 बार पुलिस का मुलाजम लाया कि करोना नेड़े ना आ जाए, कितने पंजाब के लोगों का भी दर्द समझ लो। कल झंडा तुसी भी लड़ाउणा, मगर झंडा लड़ाउण वेले किसे किसान का, किसे नौजवान का, किसे दलित भरा का, किसे बेरोजगार का, किसे अंगहीन का, किसे विधवा भैन का भी दर्द इतने महसूस करो, नहीं तो फिर कल की कार्रवाई किथे थोड़ी अधूरी रह जू। मेरे वीरो, अज मैं सब तो पहला जिस गल की बड़े दुख नाल गल सांझी करन लग्या, मेरे तो पहला बोलदे बुलारे बोल के गए हैं, मगर वेखो एक पासे कप्तान साहब का भाषण तुसी सुनिया, एक रेफरेंडम 2020 वाला पन्नू, उहदे बारे कहिंदे आ पन्नू जेनू मैं बोधी तो फड़ के पुठा कर दूं सिद्धा कर दूं, लम्मा चौड़ा भाषण देणगे ए ते इहनां दा डीजीपी। मैं पुछना चाहुंदा, अज मोगे की होया, कल आजादी दा दिवस, कल 15 अगस्त, एडा वड्डा हादसा ज
ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਬੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬੈਂਦੇ ਆ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਡਿੰਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹਰਵਨਵੀਰ ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਝੰਡਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿਓ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਦਿਓ ਐਸਐਚਓ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਦਿਓ ਡਿਪਟੀ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਦਿਓ ਐਸਪੀ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫੀਤਾ ਘੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਐਸ ਪੀ ਉਹੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹੁੰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਇਹ ਜੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦਿਖੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਮਗਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਜੇ ਰਹਿ ਇੱਧਰ ਆ ਭਾਊ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਆ ਮਿਹਨਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਥਾਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀਆ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿਆਨਸੋ ਦਾ ਟੱਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੱਗ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਸ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਥਾਣੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰ ਮਗਰ ਉਹ ਭਾਊ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਤਾਂ ਸਨ
इतिहास है जे अफसरां नूं जज करूगी इह सदा एसएसपी नहीं रहने और इन्हां नूं जवाब देना पैना असी इस वीर दा केस हाई दस दू जज साहिबा ऑनरेबल हाई कोर्ट दे जज साहिबा ने जब इन्हां दी वीडियो वेखी एसएसपी साहब नूं शर्म ना आई डीजीपी दिनकर गुप्ते नूं मैं आप चिट्ठी दे के आया कि साडे गुरसिख वीर दी उहदे ककारा दी बेअदबी होई आ मगर दिनकर गुप्ते नूं शर्म ना आई और आ जज साहब का ऑर्डर मैं लैके आया जज साहब ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब निर्मलजीत कौर जी ये कहते जब मेरे अगे फैक्ट्स रखे गए ऑर्डर अंग्रेजी च है मैं पंजाबी च थोनू दस दिया कहते जब मैं वीडियो वेखी मेरा सिर शर्म नाल झुक गया जे जज साहबां नू वीडियो वेख के शर्म आ गई ते गुरकीरत कोटली नू ना आई हरप्रीत सौ एसएसपी नू ना आई डीजीपी दिनकर गुप्ते नू ना आई मगर मैनू इस गल दी तसल्ली है कि हले भी साडियां कोर्टां च इंसाफ नौ दी चीज चलदी है अखीर च उह बलजिंदर ते परचा दर्ज होया जमानत लई भज्जिया लोअर कोर्ट ने जमानत रद्द की हाई कोर्ट नू भज्जिया उत्थे जमानत रद्द हो गई ते फड़न नू किन्ना चिर लगदा बड़ा चिर तां ना लगदा जे पुलिस ने थोड़े मेरे अरगे नू फड़ना होवे ते मिंट च चल भी गड्डी च सट लैंदे मार दे हुण बलजिंदर सौ नहीं लभदा क्योंकि थोड़ी नीयत माड़ी है मगर बलजिंदर सौ बचना नहीं जे किसी गुरसिख ने ककारा की बेअदबी करू तो बचदा नहीं जाना अंदर पैना हिसाब देना पैना और मेरा वीर वो दिन दूर नहीं तुसी चंगे बंदे भी इत्थे पुलिस वाले खड़े हो रब नूं जान देनी है इंसाफ करो सच का साथ दिओ आ कुर्सी ते लथ जाओगे ते दूजी ते लग जाओगे पंजाब च अफसरां दी घाट है मगर रात नूं चैन की नींद जरूर सौंगे हुण मैं बलजिंदर सौं ही इत्थे सी जदों शराब की फैक्टरी चलती सी सारी गल बड़ी विस्तार नाल दस गए बच्चे बच्चे नूं पता गुरकीरत कोटली तां इक सड़क ते पच नहीं लगन दिंदा जद तक उहदा हिस्सा ना दे दिओ ते शराब की फैक्टरी एवें चली जांदी सी पता नहीं लगदी सी तुहानूं नीयत नहीं सी रले सी तुसी बेईमान सोच हो गई सी और यही कारण बनिया कि अज 200 तो वध गरीब लोग कैप्टन नूं तां करोना दा इन्ना फिक्र है वह तो निकलता नहीं आपदे जंगल चों ते मेरे वीरो जिहड़े दिहाड़ी करदे जिहड़ा रिक्शा चलाउंदा जां जिहड़े 200 मर गए 100 तरन तरन कल्ले च ते उहनां नूं परिवारां दे उहनां दे जी जंत नहीं उन्हां नूं करोना का कोई फिक्र नहीं मगर कानून कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कांग्रेस वास्ते वखरा सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी वास्ते वखरा ते पंजाबीओ थोड़े वास्ते वखरा मेरे वीरो आ इत्थे एसएसपी घोर लग्या सी हुण साडे जिले च भेजता अमृतसर उहदा नाम की है द्रुव धैया ओह इक तां डाकू मंगल सौ का नाम सुनिया ना अज एस एस पी के हक च अखबार आई अज की ट्रिब्यून अखबार है किसी को वड्डा लेख एक पूरे सफे का लेख कैप्टन अमरिंदर सौ ने ध्रुव धैये के हक च लिखता किथे एडा ही दर्द वह गरीब ली किसे ली कर लवे ना कप्ताना ते लोग आशा आशा कर उठन कि साडा बनाया मुख्यमंत्री मैनू हैरानगी होई मैं कदे ए मिलिया नहीं आ महारथी जी नूं ध्रुव धैये नूं मगर मैं एक गल दसदा धैया जी बलजिंदर सौ मगर मैं पिया सी उस रब दा ओट आसरा लैके मगर पिया सा ते बलजिंदर सौ ना हुण धरती दे उत्ते नहीं थले थले भजदा कहिंदे सद्दाम हुसैन वांगू थले ही रहिंदा जे उत्ते आउंदा ते उहनूं डर लगदा कि मैनूं कदे फड़ ना लवे कोई हुण धैये नाल भी यही है वेखो मैनू हैरानगी होई
ਧਈਆ ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਾਹੇਕ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਧਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਾਹੇ 9,66,00,000 ਰੁਪਈਆ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਗਏ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇਸੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰੁਵ ਧਈਏ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਰਾਹੇ ਦੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਦੇ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਫੜਿਆ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਮਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 47 ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਫਗਵਾੜੇ ਫਗਵਾੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਰਾਹੇ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਗਵਾ ਜਲੰਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫਿਲੌਰ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਪਾਈ ਗੱਡੀ ਮਾਛੀਆੜੇ ਨੂੰ ਮਾਛੀਆੜੇ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸਮਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ CIA 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆਏ ਸੀ 15,66,00,000 ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ 9,66,00,000 ਡਾਕੂ ਮੰਗਲ ਸੋਹਣੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁਬ ਧਰੀਆ ਮਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਆ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ SSP ਖੰਨਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਭਾਊ ਨੰਬਰ ਦੱਸਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਆ 1694 ਨੰਬਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਆਹੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ SI ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ SI ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ 29 ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਰੇਡ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾ ਦਰਾਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ 6 ਕਰੋੜ ਮਾਰਿਆ ਬੋਝੇ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ASI ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 120 'ਚ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਡਾਕੂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਡਾਕੂ ਧਈਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ SSP ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ DSP ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਇੱਕ SHO ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ SHO DSP ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ SSP ਦਿਹਾਤੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ IG ਹੈ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ADGP ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ IG ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੋਨ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੋਟੋ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਰਾਹੇ ਨਾਕੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਫੜੇ ਸੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਧੂਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ SSP ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਤਾਂ ਰਗੜ 'ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਗੜ 'ਤੇ
ऐसा ही रगड़ते, मगर आ डकैत नु चक के अमृतसर जिले श्री अमृतसर साहब की धरती से लाता। क्यों हले जो चंद चाड़िया तरन तारण च कोई कसर रह गई? आ सुन लो, अज कप्तान साहब कहिंदे कि मैनू कोई प्रूफ दवे। लो मैं अखबार वाले थोनू प्रूफ दे के चलिया। आ ध्रुव धइए का नंबर है, मैं नंबर भी पढ़ दिना, भावे हुण तां ना चुके मेरे फो मेरे बोलण तो बाद, पहला आही नंबर चुकदा हुंदा सी। 97179977189179 नंबर आही है ना पुराना, थोनू तो पता ही होना, तो जो बाला चिर रहे मिलायो माड़ा जा हुणे, हुण भावे ना चुके। इनू 14 जून ते 16 जून में वट्सएप पाइया सी कि सुखपाल भुल्लर जिवें इत्थे गुरकीरत कोटली कढ़दा है ना, आ राजदीप नू कदे नाल लै गया, माड़े बंदे नू तां कनैक्शन नहीं मिलता, उहदा तां कट जांदे नाल दी नाल, तेरा बिल बहुत आ गया, उहदा बिल नहीं आउंदा जिहड़ा इन्हां दी जेब च कुछ पा देवे कांग्रसियां दी, जां जिहड़ा सोनिया गांधी दे हो। आ मैके दी फोटो वेखी सी, चलो किसी की सुख मंगनी चंगी गल, एक आई सी इहदी फोटो आ कोटली साहब दी हवन करा रहे सी, ते नाल एक दूजा बिचो करी जावे, सोनिया गांधी की उम्र लंबी होवे चंगी गल है, तुसी करो, किसी ने अखंड पाठ साहब रखाउणा है, किसी ने हवन करवाउणा, कोई चंगी गल है, मगर हुण समझ आउंदी है तू लंबी उम्र की मंग क्यों करदा सी उहदी, आ तेरे पुठे सीधे कम्मां नूं आ पुछदी नहीं ना, ते दे करदा सी नहीं तां कादे लई करवाउणा तू, ते नहीं तां इहनां नूं कोई चंगा लगदा छेती कितें। आ वट्सएप भेजिया 14 जून नूं ते 16 जून नूं कि सुखपाल भुल्लर दा पिंड है, ब्लाक समिति दा मैंबर है, सुख महमूदपुरा, वह शराब कढ़दा, पता नहीं तुसीं वीडियो वेखी नहीं है कि वह इतना टूटी खोलदे ते अग्गों पानी नहीं आउंदा, शराब ही निकली आउंदी है, वह साडे तरन तारण जिले का भुल्लर का पिंड है, उत्थों है, उहदी खबर भेजी SSP ने, कख नहीं कीता, को सुना दे हुण थानेदार दी भी सुन लियो, ये भी सुनी होनी, मैं माड़ी जी सुनाउना, फिर मैं पुछदा कप्तान नू कि जब तू इह जे SSP लाउना ते फिर तैनू आजादी दे वास्ते कुरबानी देण वाले शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी, उधम सिंह जी, ये नहीं चेते आउंदे हुण सुनियो, आ माड़ा जिहा सुणदा इहदे च कि नहीं, आ चलाई यार माड़ा जिहा। चलो थानू भेज देंगे, MLA है ना कांग्रेस का पट्टी वाला, SHO नू फोन कर दे, SHO बेचारा हले भर्ती हो गया सी, ओनू फोन करके कहिंदा वह तू मैनू सत श्रीकाल बुलाउण नहीं आया, अग्गों कहिंदा सत श्रीकाल जी, दसो उन्हें बुलाती तेनू बुलाउण कादे लई आवे, ये कहड़ी तरीका हुंदा जिहड़ा तेनू हत्थों बुलाई जांदा, फोन ते बुलाई जांदा, ये तां नवां तरीका सुन लिया, मैनू कहिंदा बुलाउण नहीं आया, तेनू पता नहीं कहिंदा MLA की शह हुंदी आ, जे इस MLA नू दसना पै जे वह की शह है, वह टट्टू दा MLA किसे कम दा MLA हो मारी जांदा, ओनू अगे दस रहा थानेदार नू, कहिंदा MLA आ मैं बुद्धू नहीं हाँ, जिहनू यह दसना पै जाए मैं बुद्धू नहीं, ओ तो वड्डा बुद्धू किहड़ा मैनू यह दसो, ते यह ध्रुव धइया डाकू ये उस नौजवान थानेदार नाल नहीं खलोता, यह MLA नाल खलो गया, यह जे टाउटा नाल जिन्होंने पहला मुंडे मराए, और उदो इंदिरा गांधी नू गाला कढ़दे सी, अज इंदिरा गांधी के चरणा च बह के इंदिरा गांधी नू आपदी मां दसण वाले, अज उन्हां टाउटा दा साथ दिता गया, उस वर्दी वाले नौजवान वीर का हक सच करन वाली गल दी तबादला करता, फिर होना की सी, फिर सौ ही मरने सी। और कल आ बादल साहब धरना दे के आए है, मैं तो हैरान हो गया, मैनू तो सीगा कितने वो जड़िया कालिया भेडा चार आईया सी उत्थे, कहिंदा कालिया झंडिया विखाउणियां, मैं तो सीगा कि थोनू हरी झंडी विखाउणगे ते कप्तान नू काली झंडी विखाउणगे, पुलिस दे करके एड्डी दलेरी विखाई गई
कि काली झंडिया विरोध करने वालों का नजायज शराब का कारोबार करने वालों का यह धरने मारन वालों को काली झंडी ते शराब कढ़न वाले नू सोनिया गांधी की हरी झंडी। कमाल हो गई यार, मतलब यह जमाना गुटका साहब की सौ खाने वाला कप्तान। और मेरे वीरो रब दे रंग वेख लो किड्डे आ, रब दे नौ ते कदे सियासत ना करियो। और सुखबीर जी जिहड़ी यह गल कहिंदे अज मैं सहमत होना कि जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज के नौ ते जां गुरु साहब के नौ ते सियासत करे उहदा कख ना रवे। और वेखो नजारा रब दा, फिर जिन्हें गुटका साहब फड़ाया उत्थे वो ध्यान नाल वेखियो किहड़ा सी MLA सिक्की जकारा छड्डण वाले कौन सी। और जीते आ सौ बंदे मरान का अंजाम लग रहा MLA सिक्की का PA जर्मन उस हल्के च सारा कारा वापर क्योंकि सियासत करते सी, दिलो रब नू याद नहीं करते सी। इसलिए मेरे वीरो आ कैबिनेट तक रौला पै गया शराब का। चीफ सैकटरी तो वड्डा अफसर कोई नहीं, चीफ सैकटरी ने रौला पाया। आ रब दा वास्ता वजीरो, नजायज शराब कढ़न वाले दा साथ ना दिओ। एक कारी नहीं रौला पिया, खन्ने रौला पिया, राजपुरे रौला पिया, रोपड़ रौला पिया, गुरदासपुर जेड़ा धार्मिक एडवाइजर है ना कैप्टन कप्तान दा नौ पता उहदा की है सरना, सरने की धी तो चलाउंदी उत्थे फैक्टरी ते उत्थे किहड़ा इह जा जूस बनाउंदी है जिहड़ा सेब वाला जूस जां मैंगो शेक बनाउंदी है उत्थों बनाउंदी इही कुछ है। उहदे ट्रक फड़े गए उदों कोई कारवाई ना कीती ते अज रिजल्ट की निकलिया कि 200 गरीब बंदा दी डैथ हो गई। और जिन्हां दे कारण होई है वो अज भी कुर्सियां ते बैठे। चीफ सैकटरी ने रौला पाया, चीफ सैकटरी चुप कराउणा सी ते चीफ सैकटरी कहिंदे तू 2 महीने तक रिटायर हो जाना, घरे बैठेगा जे चुप रहेगा ते तेनू झंडी ला देंगे। उन्हूं चेयरमैन बनाता पंजाब दे पानिया दा क्योंकि वह वजीरा दी पोल खोलन तो चुप कर गया, मगर नुकसान किहदा हो गया पंजाब दे लोकां दा। इसलिए मेरे वीरो लोकां दा जानी माली नुकसान, 5600 करोड़ दा मालिए दा नुकसान। और पुलिस नूं सब पता जे कप्तान साहब ध्रुव धइए वर्गे डकैतां दे मगर आके खलोना ते फिर लख लानता ने बाकी SHO DSP इन्हां नूं कादे लई सस्पेंड कर दिओ क्योंकि ये पंजाबी ने इस मां धरती तो जम्मे है। और वड्डी गल थोनू कोई होर कोई काबिल SSP लभदा नहीं, ये अफसोस नाल कहना पैंदा है कि सोच बेईमान हो गई। इसलिए मेरे वीरो बहुत लंबा समा मैं थोड़ा समा तो लै गया, मैं खीरली गल करके चलिया। मैं तो पुलिस वाले वीर ही बड़ा कुछ दस देंगे, एवें अज गरेवाल साहब तो ज्यादा कर गए इन्हों, ये पुलिस वाले कुछ चंगे भी ने। आ मैनू हूँ एक इंटैलीजेंस का वीर दे के गया, आ तुसी दस दौ मैनू तो इन्हों का नहीं पता। आ विकास मेहता मेहता एक एक्स प्रधान MC खन्ने का कहिंदा यह भी शराब का ठेकेदार ही है। एक अमित तिवारी है यूथ का प्रधान कहिंदे इहदे भी हिस्से ने। एक यादविंदर जंडाली चेयरमैन है जिला परिषद कहिंदा इहदा भी पास टाइम इसे काम ते हुंदा, इहदा भी टाइम इसे काम नूं टप्पदा। एक जतिंदर पाठक ब्लाक का प्रधान, यह सारिया की एक चेयरमैन मार्केट कमेटी लंबी चौड़ी मैनू लिस्ट दे के गया कहिंदा यह सारी रले है। और मैं तो बधाई एक नूं दिना आ प्रताप सिंह बाजवे नूं ते थोड़े वाले दूलो साहब नूं। मैं मैनू सीगा कि दूलो साहब च पुराने वाला करंट नहीं रहा, मगर स्वाद लियाता वो तिवाड़ी जहाँ मैंने लगता धरना मरन गया से घर के बाद अमित तिवाड़ी आ गया भारा जहा मुंडा आहो लगता है कुछ खाता पीता है तगड़ा वो गया सी धरना मारन। दूलो साहब ने जो बस कराई उन्हां दी जो बस कराई वह तो ऐ करते धरती पाड़ जाए कि बिच ही जिग जाइए ये दूलो के सामना ना करना पवे। मैं अज उन्हें दोवें MP का अज अपनी स्टेज तो
सच का साथ देने। और असली गल जेड़ी मैं भी प्रताप सिंह बाजवा सबका प्रधान भी है, मुख्यमंत्री का दावेदार भी है, दोवें कांग्रेस के प्रधान ने मौजूदा प्रधान नू सोनिया गांधी के चमचे नू सिखा दी लाशा ते मजाक उड़ाउण वाले दिल्ली के नस्लकुशी नू सही आखण वाले उस जाखड़ नू भी की कहिंदे आ, इह तां तोता है सोनिया गांधी का कप्तान का, जेड़ा चूरी खवा जे ओदी गल करदा मुड़ के तोता भी नहीं बोलिया उन्हां दे उल्ट। बंद करा दी बोलती, जे तू सच्चा ते हुण केड़ा करा तेनू कप्तान चूरी नहीं खवाउण रहा जां गुरकीरत कोटली चूरी नहीं खवाउण रहा। तू तां बड़ा मगर गया सी, मैनू याद है पिछली वारी जदों रौला पिया सी, एक कंबोज जलालपुरे पिछे पटियाले गया सी उदों चूरी खवाई सी ते रौला पाउंदा सी। हुण बाजवे दे कहण वांगू चूरी मुक गई ते कांग्रेस दा तोता चुप कर गया। इसलिए मेरे वीरो ये हक सच की लड़ाई आ, जे इहदे बाद असी उह सेह वाला मुंडा जिहनूं पहला गोली मारी वड्डे वीर नूं साडा सरपंच है, पुलिस की वेखो ये कादी सियासत है यार, ये कादी पॉलिटिक्स है। एक मां दे नौजवान पुत नूं पहला खा गई कांग्रेस, अज दूजे नूं खा गई, और उन्हां दी मदद कौन करदा है। मैनूं बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा साहब अमरीक सिंह जी ढिल्लों साहब, मैं थोनू चंगिया चों समझदा सी कि तुसीं चलो चार पांच आरी एम एल ए बने कोई गल सही करोगे, मगर तुसीं गलत बंदियां दा साथ दे के अज उस मां दी जे हाए लग गई ना कि अगली इलैक्शन विधानसभा की पौड़ियां तो नहीं चढ़न दूगी, वो हाए मैं इन्नी गल दस देना। इसलिए मेरे वीरो तगड़े हो जाओ, मैं दो कनारे लाऊं, कांग्रेस सरकार हले आया नहीं करंट थोड़े च, कांग्रेस सरकार सोनिया गांधी 5600 करोड़ मालिया खाने वाली कांग्रेस मुर्दाबाद, जेड़े पैसे खजाने च जाने सी किसी गरीब की पेंशन शगन स्कीम किसी होर स्कीम नाल जाने सी, और इन्हां नूं पुट्ठे लमकाउंगे एमएलएयां नूं इतना डिगू 5600 करोड़ धरती ते लोकां दे कर्जे माफ कर दिओ, लोकां दा भला कर दिओ। अज दी बहुत बहुत इस रोस धरने की समुची टीम नूं वधाई, अज थोड़ा भी एक तरीके का आजादी दिवस ही मैं वेख रहा, इन्ना करंट मैं पहला नहीं वेख्या, पहला तो वो पुराना बंदा है तो साडा ही मगर थोड़ी बैटरी डाउन कर छड़दा सी, लड़ा छड़दा सी, हुण जिवें कट्ठे होए हो ना आपदी गड्डी मगर लिखा दिओ, बुरी नज़र आले तेरा मूँह काला नज़र ना लग जाए। बख्शिश करन, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।